पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है, किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो शरद जोशी करके हास्य व्यंग कवि थे, बहुत सुंदर कवि थे, शायद आप जानते होंगे, मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ, लेखक थे भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। सभी पार्टियों में ये चलता ही है। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। मैं बहुत सुखी हूं। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि यार तुम रोज रात को, मैं खाने का शौकीन हूँ, कभी ये खाता हूँ, कभी मैं अभी आजकल खुद शेफ का काम सीखता हूँ, कभी अलग अलग मेरे शौक है, सोशल वर्क करता हूँ, काफी मैं अपने हिसाब से काम करते रहता हूँ। तो बोले आप बहुत खुश हो, आपको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मतलब एक बात याद रखना, जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। जो मिला अपनी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है इसके ऊपर खुशी जताता है वो समाधान पाता है। जिस पर है उसमें खुश रहो और वनडे क्रिकेट जैसे खेलते रहो।